हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका खुद का चैनल है इसमें आपका सबसे पहले स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर सेलर जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट इस शेयर में एक बेहतरीन टारगेट हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा इसके फंडामेंटल्स हम देखते हुए देखते हुए जाएंगे और कंपनी करती क्या वो देखेंगे कितनी डिलीवरीज उठाई गई है वो देखेंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फोर एवर सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक डेफिनेटली वीडियो देखा करें

Uh, यहाँ पर बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल फंडामेंटल एज वेल एज फिर बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल uh, तो हम बात करें तो कंपनी देखिए हेल्पिंग आर नेशन एज वेल एज यहाँ पर जो ये कंपनी है किस किस सेगमेंट में काम करते हैं यहाँ पर देख ले टू इम्प्रूव फार्मर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प फीड आर नेशन तो यहाँ पर अगर बात करें फार्मा फार्म में फार्मर्स के लिए कंपनी एग्रो में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है एग्रीकल्चर में यहाँ पर कंपनी जो काम करती हुई नजर आती है ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है ये जो एनिमल्स होते हैं ओके okay, उन्हें फीड करने के में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है एनिमल्स में यहाँ पर ये केवल चिकन ही नहीं है ओके यहाँ पर हैंस और हैं

ओके ऑयल पाम मोस्टली इंडिया यहां पर कहां से इंपोर्ट करता है ये इंपोर्ट करता है इंडिया आ, मलेशिया से ओके okay, तो यहाँ पर एक अगर ये इंडिया में ये कंपनी है और और भारत यहां पर कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा कि यहाँ पर यहीं पर ही इंडिया में यहाँ पर ऑयल पाम ऑयल को यहां पर निकाला जाए क्योंकि इंडिया में यहां पर बहुत ज्यादा खपत भी होती है क्रॉप प्रोटेक्शन में पर यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है टाइसन फूड यहाँ पर एशियाई गोदरेज एग्रोवेट क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट जो कि मैं हमने आपको बताया था एस्टेक लाइफ साइंस एक्स

निकालने की कोशिश कर रही हो और इस बार शायद यहाँ पर सक्सेस भी हो जाए और शेयर अच्छा खासा भाग भी सकता है क्यों यहाँ पर जब टेक्निकल की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर एक बार आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ जाते हैं यहाँ पर देखते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट है ये सेल्स सेल्स की बात करें तो देखिए अच्छी खासी पर 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 चल रही थी और फिर उसके बाद 18 में गिरावट हुई जिस वजह से प्राइस की भी यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रेंज में यहाँ पर थोड़ी गिरावट हुई फिर एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आया बट अभी की अगर हम बात करें जून की तो इस क्वार्टर का जो यहाँ पर सेल्स है वो हाइएस्ट एवर सेल्स है इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है ओके okay, वो हाईएस्ट एवर तो नहीं केंगे यहाँ पर सितंबर 20 में हाईएस्ट एवर था बट अभी बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आ, तो इस चीज को याद रखिए कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हाइएस्ट एवर रिवेन्यू पर, पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और काफी आ, अगर पिछले दो तीन क्वार्टर की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है इसके अलावा ईयरली बेसिस पे कुछ भी पता चलता है तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे दो में सत्ताईस करोड़ रुपए की सेल्स थी फिर इकतीस सौ फिर तैतीस सैंतीस उनचास इक्यावन फिफ्टी 69, 62 और अभी बात करें तो 67. तो यहाँ पर अभी जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडमिक यहाँ पर थोड़ी सा इंपैक्ट पड़ा था जो कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पेंडमिक की वजह से सेल्स बिल्कुल कम होती ही नजर आई इस वजह से यहाँ पर 2021 में इनकी सेल्स कम हुई है अदरवाइज एक बेहतरीन ग्रोथ कंसिस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ के साथ कंपनी पर पिछले काफी सालों से यहाँ पर ट्रेड कर रही थी अच्छा खासा चल रही थी बट दोबारा बात करें तो कंपनी ने पिछले बारह महीने में सिक्सटी सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स करी है जो कि बता रहा है कि आगे चल के और अच्छा खासा परफॉर्म करेगी यहाँ पर और चीज़ों की बात करें

इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस एग्रीकल्चर एनिमल क्रॉप प्रोटेक्शन ऑयल से रिलेटेड पर डेयरी प्रोडक्ट पोल्ट्री फॉर्म से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है ज्यादा कंपनी कंपनी के पास डेट डेट नहीं है इस बड़ा है है इस बट और की कंसिस्टेंट ग्रोथ भी रही है। तो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पर जाते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर पता चलता है कि देखिए यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर पहले अच्छा खासा यहाँ पर भाग रहा था और इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हुई और एक अच्छे खासे सपोर्ट पे लगभग सबसे पहले तो फिफ्टीन गिर चुका है शेयर ओके okay, अगर बात करें हिट किया तो यहां पर हमें अच्छे खासे रिटर्न एटीन परसेंट के नाइनटीन परसेंट के मिलते हुए नजर आएंगे और हमेशा जब फिफ्टीन से ट्वेंटी या थर्टी अच्छा खासा शेयर गिरे तो उठा लेना चाहिए और तब जब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी जो सेल्स है क्वार्टरली बेसिस पे पे तो यहां पर देखिए हाईएस्ट हाईएस्ट सेल्स और प्रॉफिट जनरेट करी है तो यहाँ पर ये कंसोलिटेशन फेज और यहाँ पर देखिए गिरने के बाद शेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो कि यहाँ पर इससे पहले भी देखिए यहां पर गिरा था तो इसी लेवल पे इसी लेवल पे और थोड़ा सा और गिरा तो यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर तक आ सकता है मतलब दो आ, दस पंद्रह रुपये और यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है जो कि बहुत कम चांसेस है इसके अलावा और पैरामीटर की बात करें तो देखिए जब भी ये यह शेयर यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के नीचे आया तो भागे ही है या टू हंड्रेड डीएमए के आसपास आया है ओके थोड़ा बहुत गिरने के बाद ये यह शेयर यहाँ पर अच्छी खासी रैली देता हुआ नजर आया अप्रैल में भी देखिए इसी तरीके की रैली दी थी और अगेन यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देने को तैयार है अभी रिजल्ट आने वाले हैं रिजल्ट का टाइम है और रिजल्ट से पहले कंपनियां ऑब्वियसली बातें यहाँ पर भागती है और जब ये शेयर भागेगा तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट से पहले ही ये

यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर ऊपर की पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखिए क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ गया रिट्रेस हो गया और ये दोबारा यहाँ पर से शेयर भागता हुआ नजर आएगा ओके और इस बार जब ये भागेगा तो अपने ये ऑल टाइम हाई जो है ओके उसे भी क्रॉस करेगा अपना जो ब्रेकआउट है उसे भी यहाँ पर क्रॉस करेगा और अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा इसके बेसिस पे अगर हम बात करें ये थोड़ा सा लॉन्ग टारगेट होगा ओके जो की यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग डेढ़ साल समझ से दो साल लगेंगे जो कि ये यहां पर करने में, तो, तो टारगेट नजर आ रहे हैं वो टारगेट कितने नजर आ रहे हैं वो टारगेट नजर आ रहे हैं लगभग बारह सौ रुपए के आसपास के और ये बारह सौ रुपए के जो टारगेट है ओके अभी शेयर चल रहा है छह सौ उनतीस तो अगर ओवरऑल परसेंटेज में बात कर ले कि कितने परसेंट के रिटर्न तो नाइनटी

एक जगह पर 50 डीएम का अच्छा खासा इसने सपोर्ट ले रखा है यहाँ भी सपोर्ट ले यहां भी ले रखा है ये शेयर ऊपर की तरफ भाग के अच्छा खासा गेंद दे सकता है बट इसके लिए थोड़ा सा लंबा हमें खेलना पड़ेगा लगभग एक साल का टाइम देना पड़ेगा तभी जाके ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पर अच्छा खासा दिया ही है इसने परफॉर्मेंस बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया बट पेंडेमिक ने इसकी शेयर को थोड़ा सा यहाँ पर गिरा दिया था बट यहाँ पर दोबारा सेल्स आएगी अच्छी खासी तो शेयर दोबारा भागना शुरू कर देगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है मैंने यहाँ पर आज यहाँ पर खरीदारी करी है अच्छा यहाँ पर लग रहा था थोड़े बहुत टाइम में अभी रिजल्ट आने वाले एक महीने में, में शायद ये टेन टू फिफ्टीन परसेंट के रिटर्न ऑब्वियसली है यहाँ पर दे सकता है बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर पोजिशन लीजिएगा हमसे कोई स्टॉक मार्केट सर्विस से रिलेटेड बातें करनी है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ पर कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें दूसरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और देखिए शेयर करे दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी ज्यादा मिल सके सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस